पाकिस्तान बर्बादी के इतने करीब पहुंच चुका है कि पाकिस्तान को अब चारों तरफ अंधेरे अंधेरा नजर आ रहा है। अरे देवा, पाकिस्तानियों को यह डर लग रहा है कहीं ना बैंक करप्ट नहीं हो जाए। पेट्रोल सीधा सीधा 30 रुपए इकट्ठा बढ़ा दिया गया और मजीद कीमतें बढ़ाने के लिए भी पर तोल रहे हैं। बिजरा सुन लें, और खबरें चल रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत बढ़ाई जा रही है। अब आप एक तरफ बिजली के रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं और जब आपसे कीमतें बढ़ाने पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि जी खजाना खाली है, IMF की शरायत मानना जरूरी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नई नवेली हुकूमत के नए नवेले वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने आज कौम को बताया कि उनकी हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यूएई ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दे रखा है, माल दे रखा है, तो पाकिस्तान के पास देने के लिए पैसा नहीं है तो पाकिस्तान ने 100 बकरे भेजे यूएई को चमचागिरी करने के लिए, मचका मारने के लिए कि उनका लोन माफ कर। खबर आई है कि पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं यूएई को ताकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। वो तो होने से रहा। आर यू कॉमेडी? ऊपर से इन पाकिस्तानी आवाम की मानसिकता का और दिवालियापन निकल चुका है। बकरे दिए हैं यूएई को, क्या कहना चाहेंगे? लोन माफ हो जाए ताकि पाकिस्तान का, क्या कहेंगे? 100 बकरा इकट्ठा ही दे दिया जी। मैं शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि जो जो हमारा 100 बकरा है ना, ये फिल फॉर वापस करें। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जितना आप मर्जी उनके पाँव भी पड़ जाएंगे तो वो आपका लोन माफ नहीं करेंगे। उनका $1 अरब पड़ा हुआ है वापस ले जाएंगे और हमारा 100 बकरा भी हम डबो बैठेंगे। हमारी कौम 100-100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 100-100 बकरा जनाब उनको गिफ्ट कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ कि आप 100-100 बकरा रिश्वत दे रहे हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। बेशक 100 बकरा भी दे देना, उन्होंने लोन माफ नहीं करना क्योंकि उनको पता है कि आप फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, आपने मुल्क को लूट लिया है। प्लीज हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए बकरों का। अब तो बकरे चले गए हैं, जहाज पे गए हैं, वो जिस तरह भी गए हैं उसी तरह हमें वापस चाहिए। बस यूएई को कह रहे हैं ना, वालों से दरख्वास्त करते हैं कि हम हमारे बकरे वापस कर दें। हमारी कौम भूखी है, हम ये बकरे खुद खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे कुर्बानी वाले दिन। आप अपना कोई अरेंज करें। ये धोखेबाज हमारे बकरे, मुझे लगता है कहीं चोरी से उठा के ना गरीबों का माल इन्होंने दुबई भेजा है हमारा। प्लीज़ बकरे वापस करें। बस मैं हुकूमत पाकिस्तान जो मैं बल्कि इमरान खान से कहता हूँ कि ये 100 बकरे का स्पेशल जनाब ना एहतजाज करें और 100 बकरे वापस करवाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अभी लोग इतने गिर चुके कि भारत इनका कट्टर दुश्मन, जिसको ये अपना रियायती हरीफ मानते हैं, जिसको भारत फूटी आंख नहीं भाता है, आज ये भारत से मदद लेने के बारे में अपनी पब्लिक आवाम के बीच में पहुंच गए। भारत अगर मदद करेगा तो पाकिस्तानियों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कि अगर ऐसा हो कि इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करे किसी भी सेंस में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, डेफिनेटली वी ऑल नो कि पाकिस्तान की सिचुएशन जिस तरह से है उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अगर हमारा नेबर कंट्री हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड बनकर सामने आए। जैसे ये मैडम निकली वैसे इन मैडम को मिल गए एक बहुत ही शानदार इंसान जो कि आपका और मेरा अप करेंगे मनोरंजन। ओके भाई, सर आज का हमारा एक क्वेश्चन है, सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की अगर हम मौजूदा सिचुएशन देखें, पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें, तो आपको क्या लगता है क्या इन हालात के अंदर इंडिया फ्रंट बेंच पे आता है और पाकिस्तान की मदद करना चाहता है तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा? हम किसी की मदद भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप, जो भी हम मदद हासिल करके करेंगे क्या? बदल सकते हैं? हम बदल सकते ही नहीं हैं। आप मेरी बात याद रहें, कितने सालों से मेरा ख्याल मेरी उम्र अब 50 से ऊपर जा रही है, तो क्या आपका निज़ाम क्या, आप किस तरह की तब्दीली चाहते हैं, क्या क्या बदलना चाहते हैं?
अच्छा ही बात, क्या बदलना चाहते हो भाई? तुम बदलना क्या चाहते हो? तुम तो लोन ही ले रहे हो, लोन ही तो ले रहे हो, लोन चुकाने के लिए लोन ले रहे हो, फिर लोन चुकाने के लिए फिर लोन ले रहे हो, फिर लोन चुकाने के लिए फिर लोन ले रहे हो। अबे साले किस तरह की बात आपको सर? ऑब्वियसली अगर हम अभी मौजूदा सिचुएशन देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, हम ग्राउंड लेवल के हालात देख लें, मार्केट के हालात देख लें, हर चीज़ में हमें कोई भी इक्विलिब्रियम नज़र नहीं आता, हमें कोई चीज़ भी जो है एक ट्रैक में नज़र नहीं आती है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बेहतरी लाई जाएगी? हम करना चाहते ही नहीं है बहन बेटे मेरे, हम बदलना चाहते ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जहाँ पे रहता हूँ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अंग्रेजों का कुत्ता रेड शहर पे वो खड़ा होता है, आपने देखे वो बंदे इधर कैसे निकलते हैं जैसे जानवर निकलते हैं, सड़कें देखी हैं आपने अपनी? कोई बंदा शहर पे खड़ा होता है, गाड़ी खड़ी होती है, मोटरसाइकिल ऐसे आ जाता है, अंग्रेजों का कुत्ता लाल शहर पे खड़ा होता है। हम क्या अब कुत्ते से आप मुआवजा करें? इधर बंदे लाल शहर पे खड़े होते हैं, आप बताएं, गाड़ी वाला खड़ा होता है और शहर के छोड़ें वो फुटपाथ पर कुत्ता चल रहा था, वो फुटपाथ नीचे नहीं आएगा। अब क्या आप तब्दीली क्या चाहते हैं आप? हम करना चाहते ही नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ खुदा भी आपकी मदद करेगा, हम बदल सकते ही नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये लोग कुत्तों से भी गए बीते हैं और इनके ख्वाब है आसमानी हूरों के, वो भी एक दो नहीं बेहतर हूरों के। और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो सब लोग हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर हूर हूर, तो समझते हो ना? कोई नहीं सुनया कि मरने के बाद बतरूरा मिले। हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है, तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेकमंदों के लिए, जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफ ही होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में, क्या ख्याल है? तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। पूरे इस कदर हयादार होंगी कि अपने शोहर के अलावा किसी दूसरे को आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेंगे। हो रहे चाहिए इनको, ये मिलेगी ये। और आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बोल बोल के जुबान में थाल चले बढ़ गए, आप लोग सुनते नहीं हो तो मत सुनो, लेकिन मैं भी ठीक हूँ, मैं बोलता ही रहूंगा। ये जो सुपर थैंक जाना है इसका भी इस्तेमाल किया कीजिए, थोड़ी जेब खाली करो अपनी, अगले महीने लद्दाख जाना है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? दोस्त बेकारी नहीं है आप। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।